जो मैं बजाने जा रहा हूँ भैरवी में छोटा सा चैती है एंड इमॉर्टलाइज्ड बाय वन ऑफ माय फेवरेट आर्टिस्ट एंड इन फैक्ट वन ऑफ आवर फेवरेट आर्टिस्ट्स शोभा गुरुतु जी एंड द लास्ट कॉम्पोजिशन दैट आई प्लेड आई हैव लर्नड फ्रॉम वन ऑफ माय गुरुज पंडित अजय चक्रवर्ती whom I'm sure you all have heard. And this composition is, in fact, although it is Shobha Gurtuji's very popular composition, maine kai baar suna hua hai, but this is a composition I had learned from his daughter, Kaushiki. Meant to be sung by a woman, फिर भी थोड़ा सा गा के सुना सैयान कस गयो रे हो रामा मैं ना लड़ी थी रामा सैयान कस गयो रे हो रामा कछु बोली ना कछु चाली ना कछु बोली ना कछु चाली राम सर को लुकाए मैं तो पलने खड़ी थी राम मैं ना लड़ी थी राम सैया ने कस
ये जो भैरवी की बंदिश थी, सैया निकस गए मैं न लड़ी थी, कितनी अप्रोप्रिएट बात हुई अभी। अब ये थोड़ी देर में चले जाएंगे। हालांकि ये पद संत कबीर का है और कबीर ने जिस प्रियतम की बात की है वो उस अलौकिक प्रियतम की बात की है। लेकिन जो संगीत, जैसा कि मैं शुरू में कह रहा था कि जो संगीत से सब जुड़े होते हैं वो सब उसी की साधना कर रहे होते हैं, उसी प्रियतम की, उसी सैया की बात कर रहे होते हैं। यहाँ कोई मनुष्य की बात नहीं हो पाती यहाँ पर। बहरहाल इस अनवर्चनीय महफिल को समाप्त करने को मन तो नहीं कर रहा है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि यहाँ जब तक श्रोता या संगीतकार दोनों में से एक थक के मूर्छित ना हो जाएं तब तक बात बनती नहीं है। लेकिन क्या करें, बिछड़ना था इस मोड़ पे हमें तुमसे, जुदा होना था इस मोड़ पे हमें तुमसे, ये दिल का नहीं वक्त का तकाजा है। और हम सब दुआ करें इन दोनों कलाकारों के लिए, इनके लिए हम दुआ ही कर सकते हैं। आशीर्वाद तो इनके ऊपर मालिक का है ही, ईश्वर का है ही, कि ये इसी तरह नित नए संगीत, नित नए रचनाओं की सृष्टि करते रहें और हम श्रोताओं को संगीत के रस में आप्लावित करते रहें। धन्यवाद। थैंक यू।